नया दिन है, नया सवेरा और एक नई जिंदगी। क्या आपके बिजनेस में आपको मुनाफा होगा? क्या जिस पार्टनर को आप महीनों से ढूंढ रहे हैं, क्या आज वो आपको मिलेंगे? क्या आपका यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया देखेगी? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? जिस प्रमोशन का आप महीनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या आज वो मिलेगी? अगर आपके पास सवाल हैं तो हमारे पास इनके जवाब भी हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका आज का दिन कैसे जाने वाला है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसजे योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं डेली होरोस्कोप में राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि। प्रिय मेष, आज आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण मामलों पर एक कॉल करते समय सावधान रहें क्योंकि आपके द्वारा किए गए किसी भी गलत निर्णय से भारी नुकसान हो सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप में से कुछ भी अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों से सलाह लेने और अपनी प्रतिक्रिया उसी पर प्राप्त करने का मन बना सकते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि भाग्य के लिए कोई भी पेस्टल शेड पहने और लाल रंग पहनने से बचें। दिन का सबसे भाग्यशाली समय शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच हो सकता है। वृषभ राशि। वृश्चिक राशि में उपस्थित चंद्रमा के साथ आपके विचार आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं। प्रिय वृषभ, आज आपका कठोर स्वभाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा समायोजित होने की कोशिश करें और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल होना सीखें। विशेष रूप से आज किसी भी तर्क से स्पष्ट रहें और अपने मनोदशा को प्रभावित न होने दें। सभी के साथ उदारता से पेश आए, यह आपके संबंधों के लिए बेहतर साबित होगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि इष्टतम परिणामों के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण करने की तैयारी कर सकते हैं। रंग पीला आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। मिथुन राशि। वृश्चिक में चंद्रमा के साथ आप थोड़ा अधीर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपको दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए और अपने मनोदशा को बाधित नहीं होने देना चाहिए। दया, करुणा, सहानुभूति हमेशा आपकी ताकत रही हैं। उस पक्ष को एक अभिव्यक्ति देने में कोई बुराई नहीं है। लोगों को इस तरह के हावभाव की सराहना ना करने के लिए इतने प्रतिस्पर्धी नहीं है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि अच्छा काम जारी रखें और अपने करीबी लोगों के प्रति अधिक विचारशील बने। पीला रंग पहनने से आपको आज भाग्य को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच का समय अत्यधिक शुभ है। इस समय के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण करने की कोशिश करें। कर्क राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा और आपके जीवन में दिशा लाएगा। दूसरों पर सही प्रभाव डालने की कोशिश में आप खुद को रोक सकते हैं। आपको अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वास्तव में आपने बाहरी व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर बदलाव करें। यदि आप अपने दिल से भीतर से सच्चे हैं और प्यार करते हैं तो बहुत लोग अधिक प्रयास किए बिना हमेशा नोटिस करेंगे। लेकिन याद रखें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए गृह रंग में पहने। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय भाग्यशाली रहेगा। सिंह राशि। चंद्रमा के वृश्चिक राशि में आने से आपका परिवार जरूरी मदद का स्रोत बन जाएगा। आप उन सभी सहायता के लिए देख सकते हैं कि जिन्हें आप कभी भी चाहते थे, इसलिए सुने कि उन्हें क्या कहना है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि वे जो सलाह देते हैं वह एक आश्चर्य के रूप में आ सकती है, लेकिन अगर वह दिल से आपकी सबसे अच्छी रुचि के साथ बोल रहे हैं तो वे आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। उनके हर शब्दों पर ध्यान दें। दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच का समय किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। रंग मैजेंटा आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। कन्या राशि। जैसा कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि उसके लिए यह एक अच्छा समय होगा क्योंकि आप खुद को दूसरों को प्रभावित करने की स्थिति में पा सकते हैं। आपका सकारात्मक रवैया और आत्म आश्वासन आपको लंबे समय में विशेष रूप से
पेशेवर मोर्चे पर अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। दूसरी ओर यह संभावना है कि सिंगल जातक आज किसी विषय से ठोकर खा सकते हैं। आज इस व्यक्ति के साथ चीजें काफी दिलचस्प हो सकती हैं। दोपहर 3:15 से शाम 4:15 के दौरान कुछ भी नया करने से बचें। रन बरांग आज आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तुला राशि, आप वृश्चिक में चंद्रमा के प्रभाव के कारण सामान्य रूप से अधिक मजबूत और प्रेरित महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की अपनी क्षमता पर विश्वास कर सकते हैं। आपका ध्यान अधिक व्यवहारिक और तर्कसंगत मामलों की ओर जाएगा। अपना अच्छा ख्याल रखें और उनका भी, जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा। प्रिय तुला, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि इष्टतम परिणामों के लिए दोपहर 12:30 से 3 के बीच महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाएं। काला रंग दिन के लिए भाग्यशाली रहेगा। वृश्चिक राशि, आज आप जीवन के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि चंद्रमा अपनी उपस्थिति वृश्चिक में दर्ज क्यों करा रहा है। आज आप निम्न स्तर की चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सिर्फ एक क्षणभंगुर चरण है। आप असुरक्षा की अस्थायी अवधि में प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन आप जल्द ही फिर से स्थिर और सुरक्षित महसूस करने के लिए सुनिश्चित हैं। ये डर चिकनी सड़क के केवल छोटे धक्के हैं, जो धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम लाएंगे। यह हर स्थिति या समस्या को निष्ठा से निपटने और अपने पिछले कार्यों के लिए जवाबदेही लेने का समय है। एस्ट्रो की ज्योतिष सलाह देते हैं कि 1:30 से 2:30 के बीच का समय आपके लिए समृद्ध होगा और सफेद रंग पहनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। धनुराशि, वृश्चिक में चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से उच्च स्तर पर हो सकते हैं। आपके सकारात्मक रवैये और कड़ी मेहनत के साथ यह संभावना है कि आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं अब काम आ सकती हैं। आपकी उच्च आत्माएं आपके आसपास के सभी लोगों को, यहां तक कि आपके प्रियजनों को घर वापसी लाएंगी। अपने प्रियजनों की संगति में कुछ गुणवत्ता वाला समय बिताएं और इस दिन का उपयोग अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरह के मतभेद को सुलझाने के लिए करें। यह सबसे अच्छा समय है बाहर जाने और कुछ मस्ती भरी गतिविधियों में संलग्न होने का। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आउटफिट में कलर गोल्डन येलो का इस्तेमाल करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि दोपहर 2:00 से 3:00 तक का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। मकर राशि, आज आपको सावधान रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष आपको सुझाव देते हैं कि आप सावधानी बरतें और अपना आहार देखें। इसके अलावा घर पर चल रही कुछ समस्याएं शायद आपकी चिंता का एकमात्र कारण तनाव बन सकती हैं। आपको आराम करने की जरूरत है और बहुत अधिक चिंता करने के बजाय आपको बस उन चीजों को रहने देना चाहिए। अपने शब्दों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं कि आप स्थिति को गलत समझ सकते हैं। हालांकि एक सकारात्मक नोट पर, आपकी बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं से प्रशंसा अर्जित करने में मदद करेगी। अधिकतम परिणामों के लिए दोपहर 2:15 से 3:15 के बीच का समय नए कार्यों को शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। वॉयलेट रंग आज आपके लिए भाग्यशाली है। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि में मौजूद चंद्रमा आपके स्वभाव में बदलाव ला सकता है। आप खुद को कमजोर पा सकते हैं। आज आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा, वरना आपको दूसरे लोग आपसे दूरी बनाए रखेंगे। कुंभ राशि, आप अपने जीवन में उठने वाले कुछ मुद्दों को लेकर भावुक हो सकते हैं, लेकिन अपने निर्णयों या अपने कार्यों में जल्दबाजी ना करें। तर्कसंगत विचार के साथ चीजों के बारे में सोचें और यदि आप किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। आपको मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है। दोपहर 2:30 से 4:00 तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्राउन रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। मीन राशि, जैसे जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएगा, वैसे वैसे आज आप बहुत काम करेंगे। एक तेज और प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण आपको सीमा से आगे निकलने में सक्षम करेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और सामान्य ज्ञान, साथ ही प्रभावी संचार आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत दूर ले जाएगा।
एक बहुत ही सफल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए नींव रखने के लिए अपने सबसे मजबूत कौशल का उपयोग करें। किसी भी जरूरत में मदद करने के लिए तैयार रहें। एक रिश्तेदार या करीबी दोस्त हो सकता है, आपका परिवार है और दोस्त हमेशा आपकी जरूरत के समय आसपास रहेंगे, इसलिए कभी भी संकोच ना करें। वायलेंट रंग का कोई भी शेड सौभाग्य को आकर्षित करेगा और सकारात्मक परिणामों के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण करें। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषी आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एस्ट्रो योगी, इंडियाज़ नंबर वन लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।